लॉन्ग रन इकनॉमिक ग्रोथ डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे लॉन्ग रन मैक्रो इकनॉमिक्स के हवाले से इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने बताया कि फ्रॉम द मैक्रो इकनॉमिक परस्पेक्टिव रिच और पुअर नेशंस का जो डिफरेंस है हम कह सकते हैं इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द ग्रोथ रेट्स सो देर इफ़ देर इज़ अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द ग्रोथ रेट इट कैन हैव अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन रूल ऑफ 70 पर भी हमने बात की थी इंट्रोडक्ट्री लेक्चर में ये फेमस रूल है इस रूल के मुताबिक ये है कि 70 को अगर आप ग्रोथ रेट से डिवाइड करें परसेंटेज टाइम में तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्रोथ रेट 7% है ओके okay, तो 70 को 7 से डिवाइड करेंगे आंसर 10 आएगा तो टेन हमें ये बताता है कि कोई भी नेशन अगर एनुअली सेवन परसेंट से ग्रो कर रही है तो टेन इयर्स में इसकी पर कैपिटा जीडीपी जो भी वेरिएबल है वो डबल हो जाएगा तो इसी तरह से अगर उसका ग्रोथ रेट कम है या ज़्यादा है तो उसका डबलिंग टाइम अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा तो एक टेबल की मदद से हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी ये चीज़ देखा था जस्ट रिफ़्रेश करने के लिए ये बात दोबारा आपको याद रहे कि ग्रोथ रेट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं तो ये टेबल हमने मॉड्यूल थ्री में शायद इसे हमने डिस्कस किया था तो ये ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है तो जो हम बात इसमें से लर्न करना चाह रहे हैं इस वक्त वो ये है कि ग्रोथ रेट्स अगर आप देखें फ़ॉर एग्जांपल एशिया एंड पैसिफिक में ग्रोथ रेट 5.54 परसेंट है ओके okay? और अफ्रीका और ईस्टर्न इसमें पॉइंट थ्री फोर परसेंट सो ये जो ग्रोथ रेट फाइव पॉइंट फोर परसेंट है इसके नतीजे में इन कंट्रीज़ में इस टाइम पीरियड में टाइम पीरियड हमने लिया था नाइनटीन सिक्सटी से ट्वेंटी ट्वेंटी इस टाइम पीरियड में इन एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ में जो इनकम थी पर कैपिटा ये ट्वेंटी फाइव टाइम्स बढ़ गई फाइव परसेंट और साढ़े पाँच परसेंट ग्रोथ रेट की वजह से और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जिसका पॉइंट थ्री फोर परसेंट था उसमें उसमें जस्ट तकरीबन सवा जो उस वक्त थी उसमें ट्वेंटी टू परसेंट सवा गुना वो होगी उसकी तो कहने का मकसद यह है कि ग्रोथ रेट में एक स्मॉल सा जो डिफरेंस है जस्ट वन परसेंट जो डिफरेंस है वो लॉन्ग रन में उसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है जैसे अभी आपको बताया कि सेवन परसेंट है तो वो दस साल में डबल हो जाएगी सेवन परसेंट की बजाय अगर वो फाइव परसेंट हो जाता है तो 70 को फाइव परसेंट से डिवाइड करें तो आप देखेंगे नंबर में काफी ज्यादा इजाफा हो जाएगा इसी तरह फिर मॉड्यूल फोर में हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान की परफॉर्मेंस टाइम पीरियड हमारा वही है नाइनटीन सिक्सटी से ट्वेंटी ट्वेंटी ओके सो इस टेबल में अगर आप देखें कि नाइनटीन सिक्सटी में पाकिस्तान की पर कैपिटल जी टी पी थ्री सेवेंटी वन थी ट्वेंटी ट्वेंटी में चौदह सौ दस हो गई तो इसका ग्रोथ रेट बनता है टू पॉइंट टू फाइव परसेंट तो इस अरसे में इसमें ऑलमोस्ट थ्री पॉइंट एट टाइम्स इसमें इजाफा हो गया इस अरसे में तो रीजन के बाकी कंट्रीज़ में आपको इस आपको इसमें कंपैरिज़न मिलेगा फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना का पाकिस्तान का यानी ग्रोथ रेट टू पॉइंट टू फाइव परसेंट है और चाइना का ग्रोथ रेट इस अरसे में है सिक्स लेकिन इसका इम्पेक्ट अगर आप देखें तो चाइना की इनकम जो है वो फोटी टाइम्स इंक्रीज होगी और पाकिस्तान की इनकम जस्ट यू कैन से फोर टाइम्स इंक्रीज़ हुई है और एक और एंगल से इस बात को अगर हम समझना चाहें कि 1960 में पाकिस्तानी जब एक डॉलर अन करते थे तो एक चाइनीज जो था वो 64 सेंट जस्ट उसका यानी 64 परसेंट पाकिस्तान से कम थी उनकी पर कैपिटल जीडीपी लेकिन 2020 में पाकिस्तानी जब एक डॉलर अर्न कर रहे हैं तो एक चाइनीज जो है वो सेवन पॉइंट थ्री फाइव डॉलर्स अन करें तो ये इस इस डिफरेंस उस वक़्त यानी नाइनटीन सिक्सटी में वो पाकिस्तान से कम उनकी पर कैपिटल थी और अब ज़्यादा है कि, और कितनी ज़्यादा है और इसका डिफरेंस अगर आप देखें ग्रोथ रेट में डिफरेंस ये टू पॉइंट टू फाइव और सिक्स पॉइंट फोर तकरीबन फोर परसेंट का डिफरेंस है लेकिन इसका इम्पेक्ट इस अरसे में कितना हीज है इसी तरह बाकी कंट्रीज़ के साथ भी पाकिस्तान का कंपेरिज़न किया गया इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मॉड्यूल फोर में आप इसको देख सकते हैं दोबारा इसी तरह पाकिस्तान का कंपैरिजन कुछ इंडस्ट्रियलाइज डिवेल नेशनस के साथ इस्टेबल में किया गया ग्रोथ का जो हम टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ओवर द टाइम जो डिफरेंस है बिटवीन रिच एंड पुअर इज दिस डिफरेंस डिक्रीजिंग और इनक्रीजिंग क्या ये मुलक अमीर और गरीब आपस में करीब हो रहे हैं कन्वर्च कर रहे हैं या डाइवर्च कर रहे हैं तो इस इसका एक फ्लेवर लेने के लिए मैंने ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया था जिसमें कुछ इंडस्ट्रियलाइज कंट्री के साथ कंपैरिजन किया था और इसमें कंट्रीज आप देख सकते हैं यूके है यूनाइटेड स्टेट्स है आस्ट्रेलिया फ्रांस और कुछ ये हैं कंट्रीज हैं तो जिस एंगल से हम बात इसको समझना चाह रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट थ्री पॉइंट एट परसेंट टू पॉइंट टू फाइव परसेंट और तकरीबन फोर टाइम्स इसमें इजाफा हुआ है तो अगर आप ये लास्ट टू कॉलम्स देखें फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम की वैल्यूज़ देखें तो 1960 में अगर पाकिस्तानी एक डॉलर अन करते थे तो यूके का सिटीज़न 40 डॉलर अन कर रहा था और अब ये वैल्यू पाकिस्तानी एक डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 30 डॉलर है क्या मतलब हुआ इस अरसे में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट टू परसेंट और यूके का ग्रोथ रेट 1.74 परसेंट है तो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट यूके से ज़्यादा होने की वजह से अब जो डिफरेंस था बिटवीन यूके और पाकिस्तान के सिटीजनस की पर कैपिटल इनकम में वो डिफरेंस पहले से कम हो गया और इसी तरह बाकी भी बहुत सारे मुल्कों के हवाले से आप देखेंगे अमेरिका के हवाले से भी आप ये डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस कम हो हो रहा है तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा ग्रोथ का क्वेश्चन है ये उसको हम बाद में डिटेल में थोरेटिकली भी देखेंगे तो यहाँ जस्ट एम्पीरिकली उसका एक हम आइडिया ले रहे हैं कि ओवर द टाइम क्या हो रहा है रिच और पुअर नेशंस का डिफरेंस आपस में कम हो रहा है या बढ़ रहा है सो द बेसिक क्वेश्चन ऑफ़ ग्रोथ थ्योरीज़ आर नंबर वन व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ ग्रोथ ओके सो इसमें हम डिस्कस करेंगे सेविंग रेट इन्वेस्टमेंट रेट एंड टेक्नोलॉजिकल डिवेलपमेंट हम मॉडल डिवेलप करेंगे कि ये किस तरह से लॉन्ग रन ग्रोथ को डिटर्मन करते हैं और सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो अभी मैं बात कर रहा था कि आर द रिच एंड डिवेलपिंग कंट्रीज़ कन्वर्जिंग ओवर टाइम आर नॉट कि उनका आपस में डिफरेंस जो है वो कम हो रहा है या ओवर द टाइम वो कम नहीं हो रहा है या बढ़ रहा है तो ये दूसरा क्वेश्चन है कोई भी मुल्क ओवर द टाइम लॉन्ग रन में ग्रोथ जो करता है उसको डिटर्मन करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ जो डिफरेंटली ग्रो करते हैं उसके नतीजे में क्या हो रहा है ठीक है उसके नतीजे में अमीर और गरीब का डिफरेंस कम हो रहा है या अमीर और गरीब का डिफरेंस बढ़ रहा है और फाइनली फिर हम इसमें यह भी देखेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज का इन इस सारे में क्या रोल है ओबियसली हर गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट पर प्रेशर होता है कि वो अपने लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना चाहती है तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं और क्या वो पॉलिसी जो ले सकती है और वो आगे किस तरह से वर्क करती हैं और ग्रोथ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं तो ये हमारे टॉपिक्स होंगे ये एक ओवरव्यू था जिस टॉपिक को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच